फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या आपका व्हाट्सअप किसी ने हैक किया है या नहीं किया है। ये आप कैसे चेक कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, कैसे चेक कर पाएंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको पता भी नहीं चलता है कि कोई आपका व्हाट्सअप हैक कर लेता है, पता है कैसे करता है? मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर में किसी को भी अगर देते हैं आप 2 मिनट के लिए फ़ोन, तो वो 1 मिनट में ही अपना काम कर लेता है। कोई अदर एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन कर लेता है, जिसकी वजह से व्हाट्सअप हैक हो जाता है। यानी कि आपका सारा डेटा और वो देखता रहता है, आप जो भी मैसेज कहीं भी करते हैं तो वो सब कुछ वो देखता रहता है। ठीक है, सो कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका व्हाट्सअप हैक हुआ है या नहीं हुआ है, आइए बताते हैं आपको। ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको सब कुछ दिखाते हैं किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे और किस तरीके से उससे छुटकारा पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन वाला बटन, ताकि ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर लिया है। उसके बाद मैं चले जाऊँगा यहाँ पर व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको कहाँ पर जाके क्या चेक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फ्रंट पेज आ जाएगा व्हाट्सएप का। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर सबसे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर आएगा सेटिंग वाला बटन सबसे नीचे, उस पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चैट का, चैट्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ ऑप्शन, जहाँ पर लिखा रहेगा चैट बैकअप का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे नीचे दूसरे वाला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक गूगल अकाउंट का ऑप्शन। जैसे ही आप गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर वो सारा ईमेल आईडी दिखाई देगा जिस पर भी आप चैट बैकअप लेते हैं। ओके, और अगर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी नहीं है, किसी और का ईमेल आईडी है जिसको आप जानते भी नहीं हैं, या फिर आप जिसको जानते हैं आपके फ्रेंड का ईमेल आईडी है, तो प्लीज़ यहाँ से उस ईमेल आईडी को हटा दीजिएगा। अदरवाइज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी ईमेल आईडी अगर यहाँ पर है उसके ईमेल आईडी के साथ, तो आप अपने ईमेल आईडी पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टिक लगाइएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेलेक्ट करेंगे तो ओके अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसका ही ईमेल आईडी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड अकाउंट का। जैसे आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक डालना पड़ेगा। जैसे स्क्रीन लॉक डालते हैं, यहाँ पर स्क्रीन लॉक डालने के बाद यहाँ पर जो है आपको कहेगा कि आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन कीजिए। आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका ईमेल आईडी इस जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो चैट बैकअप किसी और पे नहीं जाके आपके पे ही आएगा, और आप ही देख सकेंगे, कोई और नहीं देख पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर पाएंगे कि क्या आपका किसी ने व्हाट्सअप हैक किया है या नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन वाला बटन, ताकि ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलता हूँ मैं यानी तनवीर से आपको फिर किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।